Hello, good morning students. Welcome to the maths class. Today we will discuss chapter number 9, algebraic expression and identities, exercise 9.1. Okay, we will do today question number 4, that is subtract 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. Okay, so there are two methods to finding the subtract a number from any number, in which the first method is the firstly we write the after from term. Okay, जो from के बाद में जो term आ रही है ना, ये हम पहले लिखेंगे. तो इसमें से ये from के बाद वाली term में से ये वाली term हमें subtract करनी है. Okay, और इसमें ये वाली जो term है ये हम यहाँ पे write down करेंगे 4a. एक बात यहाँ पे important है, ध्यान रखनी है आपको कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म राइट डाउन करनी है. ओके, फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट लिख ली है फ्रॉम के बाद वाला, सेकंड रो ये लिखेंगे हम इसके बिलो, जस्ट बिलो द दिस, एंड वी पुट द लाइक टर्म बिलो द लाइक टर्म. जैसे 4a, 4a यहाँ पे है इसकी लाइक टर्म, ये सॉरी 12a है, 12a की लाइक टर्म कौन होगा, 4a होगा इस वाले पार्ट में. ओके, ए बी टर्म के नीचे ए बी टर्म, माइनस 9ab माइनस 7ab प्लस 5b के नीचे 5b की टर्म आएगी, सॉरी b की टर्म आएगी, इट मीन्स 3b प्लस 12. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये सेकंड जो टर्म लिखी है नीचे वाली टर्म, इसमें ना जो भी साइन है उनको आप ऑपोजिट कर देंगे. अगर टर्म के आगे माइनस का साइन है तो हम उसको प्लस का बना देंगे, और प्लस का साइन है तो हम माइनस का बना देंगे. ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है. तो यहाँ पे ये 4a के आगे साइन नहीं है, इट मींस प्लस का साइन है. वी पुट हियर नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, सो वी पुट प्लस माइनस एंड माइनस. ये प्लस था तो माइनस आया, प्लस था तो माइनस आ गया, ऑपोजिट साइन कर दिया. अब देखो, अब आपको ये साइन ये वाला काउंट नहीं करेंगे, आप ये वाला काउंट करेंगे, नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है उनके साइन अब ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम काम में लेंगे. क्लियर? सो फर्स्टली देखो, यहाँ पे माइनस 3 एंड माइनस 12, इसमें से ये माइनस 12 और माइनस 3 को हम क्या करेंगे, ऐड, तो ये आ जाएगा माइनस 15. ओके, माइनस 15 आ गया. अब आया कैसे, आप एक सिंपल सी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं कि माइनस वाले जो नंबर्स हैं ना उनको आप गर्ल्स एज्यूम करेंगे. ओके, एंड जो प्लस वाले नंबर हैं उनको आप बॉयज़ एज्यूम कीजिए. तो अब यहाँ पे माइनस 3 दैट इज गर्ल्स एंड माइनस 12 दैट इज गर्ल्स, देन हाउ मेनी गर्ल्स हियर, तो गर्ल्स माइनस 3 एंड माइनस 12 दैट इज 15 गर्ल्स, एंड साइन ऑफ गर्ल वी यूज हियर माइनस. ओके, सो वी पुट हियर माइनस साइन, दिस इज बॉयज एंड दिस इज 3 गर्ल्स. ओके, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स. अब ज़्यादा कौन है यहाँ पे, बॉयज़ ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है बॉयज़, 2 ज़्यादा है. तो बॉयज़ का साइन क्या, 2b पुट किया, और बॉयज़ का साइन क्या आता है, ज़्यादा है, उसका साइन क्या आ जाएगा, जो नंबर ग्रेटर है यहाँ पे 5 ग्रेटर है 3 से, और 5 के आगे का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस रख देंगे, इसमें से ये 3b है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर के आगे जो आ रहा है सब्ट्रैक्ट होने के बाद में वही पुट करना है. अब 9ab गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, प्लस का साइन आ रहा है, तो गर्ल्स ज़्यादा है, 2ab गर्ल्स ज़्यादा है, 2 गर्ल्स ज़्यादा है, और साथ में वेरिएबल ab है तो ab पुट कर देंगे. ओके, और गर्ल्स ज़्यादा है ना, तो गर्ल्स का साइन क्या, नेगेटिव, यानी कि बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर क्या है, 9ab है, और इसमें से स्मॉलर नंबर 7ab हुआ सब्ट्रैक्ट. ओके, तो ये 2ab बच जाएगा, और ग्रेटर नंबर के आगे माइनस साइन है तो माइनस पुट कर दिया. सिमिलरली 12a माइनस प्लस 12, ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, तो 8 बॉयज़ है वो मोर है, तो आप 8a पुट कर देंगे, एंड बॉयज़ का साइन प्लस है, या प्लस का साइन लगाओ नहीं लगाओ. ओके, अंडरस्टूड है ये. तो सो दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. ओके, सेकंड मेथड इज़, फर्स्टली वी राइट दिस एक्सप्रेशन. तो पहले इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये एक्सप्रेशन हम राइट डाउन कर देंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3. एंड यहाँ पे क्या करना है हमें, ये लिखने के बाद में इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को माइनस साइन पहले पुट करेंगे, और जो पूरा एक्सप्रेशन है फ्रॉम से पहले वाला ये आप ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे. तो 4a माइनस 7b प्लस 3b
प्लस 12, ओके प्लस 12। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होगा अपना, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन a माइनस 9 ए बी प्लस 5 बी माइनस 3, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे जो भी साइन है अंदर। अब जब भी ब्रैकेट पुट है माइनस साइन बाहर है और उसका मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन आ रहा है वो सारे के सारे हर एक टर्म के आगे का साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। वी पुट हियर माइनस इंटू, ये 4a प्लस का है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू ये वाला 7ab के आगे का साइन माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 7ab माइनस इंटू प्लस माइनस 3b माइनस इंटू प्लस माइनस 12, ओके ये हो गए। अब है ना लाइक टर्म जो भी है, लाइक टर्म को हम कंबाइंडली एक साथ लिखेंगे। तो लाइक टर्म 12a है, एक तो a की टर्म 12a है, और आपको देखना है जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें a की टर्म कौन सी है उसको 12a के साथ में लिखेंगे हम। तो a की टर्म कौन सी है, यहाँ पे है 4a माइनस, माइनस 4a ये लाइक टर्म होगी। सिमिलरली ये 9ab माइनस 9ab, अब ab वाली टर्म इसकी लाइक टर्म होगी। तो ab वाली टर्म देखो आप, ab वाली टर्म ये है प्लस का 7ab प्लस 5b, अब b की लाइक टर्म तो माइनस 3b होगा, ये 5b के साथ में आप राइट डाउन करेंगे। फिर है माइनस नंबर, माइनस में 3, अब नंबर की लाइक टर्म नंबर होगा तो माइनस 12 लिख दिया, ओके क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये 12a में से सप्रेक हो गया 4a, 12a माइनस 4a दैट इज 8a, ओके एंड माइनस 9a प्लस 7a, माइनस 9a में से 7a प्लस सप्रेक हुआ, आंसर विल बी माइनस 2ab, ओके 9ab में से 7ab प्लस का सप्रेक होगा तो माइनस 2ab बच जाएगा, ओके और यहाँ 5b में से 3b सप्रेक हुआ तो प्लस 2b एंड माइनस 3 एंड माइनस 12, ये सेम साइन आ रहा है तो एडिशन हो जाएगा और साइन किसका, दोनों माइनस के ऐड होके वापस आंसर है वो माइनस का आएगा, ओके। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो, ओके। नाउ कम टू द पार्ट थर्ड, सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, ओके दिस इज योर क्वेश्चन एंड वी नो वेरी वेल। फर्स्टली वी राइट द आफ्टर, राइट द आफ्टर फ्रॉम एक्सप्रेशन, ओके तो फ्रॉम के बाद में जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना ये वाला पहले ये राइट डाउन करेंगे। तो ये है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, ओके ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अब है ना इसमें से सब्ट्रैक्ट जो करना है आप माइनस का साइन पुट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, जो फ्रॉम के पहले एक्सप्रेशन लिखा हुआ ये वाला, ये पूरा का पूरा स्मॉल ब्रैकेट में आप पुट करेंगे, ओके सो माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4p स्क्वायर q, ओके माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ओके ये हो गया एंड ब्रैकेट क्लोज। सो फ्रॉम हियर वी पुट एज इट इज फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन, सो माइनस 18 माइनस सॉरी प्लस 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, ओके एंड you know very well when we will multiply minus sign then sign will be opposite of the bracket terms. So from we here get 4pq square p square q minus minus into minus plus 3pq and plus minus into this plus minus
फाइव पी क्यू स्क्वायर माइनस इंटू दिस माइनस प्लस एट पी माइनस इंटू प्लस माइनस सेवन क्यू एंड माइनस इंटू माइनस प्लस टेन. ओके सो नाउ वी पुट हियर लाइक टर्म अलोंग. लाइक टर्म को एक साथ राइट डाउन करेंगे. 18 है, 18 का लाइक टर्म कौन सा होगा, जो नंबर वाला टर्म है 10 प्लस 10. तो 18 प्लस 10 माइनस 3p, ये p वाली टर्म, इसके साथ में लाइक टर्म p वाली टर्म पुट करेंगे. तो p वाली टर्म कौन सी है, ये 8p प्लस 8p. सो वी पुट हियर 8p, दिस इज माइनस 11q. सो वी पुट अलोंग दिस टर्म q टर्म. सो q टर्म इज हियर 7q. सो वी पुट हियर राइट हियर माइनस 7q. माइनस का है 7q. ओके नाउ वी राइट प्लस 5pq, एंड 5pq की लाइक टर्म कौन सी है, ये 3pq वाली प्लस 3pq. एंड 2 माइनस 2pq स्क्वायर, और इसकी लाइक टर्म pq स्क्वायर वाली लाइक टर्म कौन सी है, ये रही माइनस 5pq माइनस 5pq स्क्वायर. ओके एंड लास्ट टर्म प्लस 5p स्क्वायर की लाइक टर्म साथ में ही है माइनस 4p स्क्वायर क्यू. ओके तो ये हो जाने के बाद में अब लाइक टर्म जो एक साथ लिखी है उनको सिंप्लीफाई करेंगे. सो फ्रॉम हियर वी गेट 18 प्लस 10 दैट इज 28 एंड 8p माइनस 3p प्लस 5p माइनस 11q माइनस 7q दैट इज माइनस 18q. ओके ये 7q और 11q ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, एडिशन होने के बाद में माइनस साइन आ जाएगा. ओके आफ्टर देन 5pq प्लस 3pq दैट इज 18pq 18pq 5 प्लस 3 सॉरी 8pq. नाउ 2pq स्क्वायर एंड 5 माइनस है दोनों, और एडिशन होगा साइन एज इट इज माइनस का आएगा 2 प्लस 5 दैट इज 7 एंड पी क्यू स्क्वायर. ओके 5p स्क्वायर क्यू माइनस 4p स्क्वायर क्यू, देन वी गेट p 4 पाई पार्ट सेकंड सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो एंड यू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके थैंक यू.